इस वक्त मैं गंगोत्री धाम के मुख्य परिसर और गंगोत्री धाम में सूर्यकुंड के पास मौजूद हूँ। यदि मैं इस जगह की बात करूँ, मुश्किल से लगभग 60 मीटर की दूरी पर इस सूर्यकुंड है जो मुख्य परिसर गंगोत्री धाम का है। और ये देखिए, इसमें जो केदार ताल से आती है केदार गंगा, उसका भी मिलन यहाँ से लगभग 30 मीटर की दूरी पर है। सबसे बड़ी बात, छोटी छोटी गुफाएँ, और मेरे सहयोगी दीपक पंत साहब जरा दिखाइए वो गुफाएँ। और सबसे बड़ा जो मनमोहक दृश्य है वो ये है, यहाँ पर सूर्यकुंड यानी केदार गंगा और गंगा भागीरथी का जो आ रहा मिलन, और ये यहाँ पर जो झरने के आकार में काफ़ी विशाल पत्थर सूर्यकुंड पे गंगा जल, जो गंगा का जल गिरता है। और अभी साफ दिखाई दे रहा एक इंद्रधनुष आकार का इंद्रधनुष बनता हुआ, कहीं ना कहीं शायद पानी यानी गंगा जल और सूर्य की किरणों से ही शायद इसका निर्मित होता है इंद्रधनुष, साफ नज़र आ रहा बनता हुआ वहाँ पर। इसके अलावा बताया जा रहा इस सूर्यकुंड के जहाँ पर एक जल गिरता है, वहाँ पर जब जल कम हो जाता है माँ गंगा का, तो वहाँ पर एक सूक्ष्म शिव भगवान का एक शिवलिंग आकार का एक शिवलिंग भी है वहाँ पर, ऐसे बताया जाता है। हालांकि अभी माँ गंगा का विशाल रूप है तो नज़र नहीं आ रहा है। तमाम बहुत सुंदर तरीके मनमोहक दृश्य चारों तरफ, ज़रा दिखाइए साहब इसको चारों तरफ, एकदम पत्थरों से बना हुआ सूर्यकुंड पर मेरी सीधी दीपक पंत के साथ महेश बोगुणा गंगोत्री धाम के परिसर सूर्य